दिवाली का त्योहार काफी नजदीक आ चुका है और सभी लोग धूमधाम से इस त्योहार को मनाने में जुट गए हैं। ऐसे में हर कोई घरों में सफाई कर रहा है और घर की पुताई करवा रहा है। पर क्या आपको पता है कि घरों में कई ऐसी भी चीजें होती हैं जिन्हें आपको दिवाली से पहले निकाल देना चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती। खुशियों का त्योहार दिवाली आने ही वाला है, जिसे कार्तिक अमावस्या को मनाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार को दीपों से सजाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार दिवाली पर माता लक्ष्मी के पधारने से पहले हमें घर में रखी कुछ अशुभ चीजों को बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि घर में इन अशुभ चीजों के रहने से माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। अगर आपके घर में कहीं चटका या टूटा हुआ शीशा रखा है तो दिवाली से पहले उसे फौरन बाहर कर दें, क्योंकि टूटा हुआ शीशा घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इससे आपके घर की पूरी सुख शांति तबाह हो सकती है। इसके लिए सफाई के दौरान इसे जरूर घर से बाहर निकाल दें। साथ ही घर में खराब या बंद घड़ी रखी है तो इसे भी दिवाली आने से पहले घर से बाहर कर दें। घर में रखी खराब घड़ी इंसान का बुरा वक्त शुरू होने का प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए दिवाली की सफाई में इसे भी घर से बाहर कर दें। यदि आपके घर के स्टोर रूम या छत पर कहीं जंग लगा सामान या लोहा रखा है तो इसे भी तुरंत बाहर कर दें। घर में रखी ऐसी चीजें शनि और राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देती हैं। घर में इस एक चीज के रहने से माँ लक्ष्मी भी प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, अगर आपके घर में खराब या फटे पुराने जूते चप्पल हैं, तो दिवाली की सफाई में उन्हें भी बाहर निकालना न भूलें। फटे जूते और चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं। कुल मिलाकर ये तमाम वो चीजें हैं जिनको दिवाली में साफ सफाई के दौरान घर से बाहर निकाल ही देना चाहिए, ताकि घर में नकारात्मकता का वास न हो सके, क्योंकि ये सभी चीजें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मानी जाती है गलत। तो अगर आप भी ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं तो दिवाली से पहले इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें और अपने घर में सकारात्मकता का वास करें और हंसी खुशी दिवाली का त्योहार मनाएं, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।